दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की जो वेटिंग लिस्ट में जो पिकअप लिस्ट वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पिकअप लिस्ट कब जारी होगी, कि दोस्तों इसके लिए आप लोगों को अभी, हालांकि सर्दी अभी जारी हुई है, सर्दी जारी होगी, मुझे पता है रजाई की ज्यादा आवश्यकता, अब रजाई में ज्यादा छूट गए, लेकिन लिस्ट के लिए बाहर तो निकलना होगा और बाहर निकलना है तो बीकानेर भी जाना होगा। तो आज आपके अभ्यर्थी बेरोजगार संघ कार्यालय पूछे हैं, महासंघ कार्यालय, और यहाँ से निर्णय लिया है कि 23 तारीख को बीकानेर इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ से बीकानेर के अधिकारियों से मिलकर वहाँ हम सब लोग इकट्ठे होकर दबाव बनाकर कोशिश करेंगे कि जो पिकअप लिस्ट की अभिशंसा RPC को भेजी जाए, जिससे वो जल्द से जल्द लिस्ट जारी करे, आपके सपने साकार है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि 23 तारीख को सुबह 10 बजे ज्यादा संख्या में आप बीकानेर पहुंचे, मैं खुद भी आप लोगों के लिए जयपुर से पहुंच जाऊंगा, केवल आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो BSTC के जो अभ्यर्थी लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंडरी एग्जाम के लिए, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है वो भी 23 तारीख को सुबह 10 बजे बीकानेर पूछे, क्योंकि दोनों मामले बीकानेर के हैं। तो हम बीकानेर अधिकारी के सामने मजबूती से अपनी बात रखेंगे कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की पिकअप लिस्ट की अनुशंसा RPC को जल्द से जल्द भेजें, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकेंडरी के एग्जाम जल्द से जल्द उनका शेड्यूल जारी हो, एग्जाम हो, तो हम एक साथ मजबूती से वहाँ बात रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 21 तारीख को जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर ऊर्जा विभाग की जो भर्तियाँ हैं, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे जेवीमिल की जो हो, चाहे राजस्थान में परीक्षा केंद्र देने का मामला हो, चाहे सिलेबस तो चेंज होने का मामला, हालांकि अधिकारियों ने सहमति जता दी थी परीक्षा केंद्र भी राजस्थान में दिए जाएंगे और सिलेबस भी चेंज होगा, लेकिन जब तक लिखित में नहीं आ जाए आदेश, जब तक तो हमें प्रयास और संघर्ष करना ही होगा। तो दोस्तों तमाम ऊर्जा विभाग के 9000 पदों पर नियुक्तियाँ जारी हो, उसके लिए हम 21 तारीख को जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है ऊर्जा विभाग वाले ज्यादा संख्या में जयपुर पूछे। इसके अलावा 4 तारीख को हम रास्ता मिल गया मासन कार्यालय पर भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर एक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो, सिलेबस जारी हो। तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि 4 तारीख को आपको जयपुर मासन कार्यालय सुबह 10 बजे आना है, और जो हम मांग ये भी रखेंगे उसमें 4 तारीख को कि RS भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो 2020। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। तो हम लोग लगातार प्रयास करेंगे 21 को जयपुर में ऊर्जा विभाग के लिए, फिर 23 को हम बीकानेर के लिए, और फिर 4 तारीख को जयपुर। इसके अलावा और भी धीरे धीरे हम लगातार जो रणनीति बना रहे हैं, जो हमने एक महीने का समय सरकार को दिया था, उस संदर्भ में भी मैं खुद 30 और 1 तारीख को दिल्ली जाकर आया हूँ। हमारा प्रतिनिधि, हमारी कोर कमेटी की थी 30-40 लोगों की, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक महीने के अल्टीमेटम के बाद घर बैठ गए, नहीं, रणनीति प्लानिंग है। वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से भी हमने मुलाकात की थी, और हालांकि मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद कुछ काम भी हुए हैं, कुछ काम प्रगति पे है, कुछ काम नहीं हुए। जो काम नहीं हुए, जो लंबित भर्तियां नहीं हुई, जैसे 2013 के NM जिनम है, पंचायत राज NDC भर्ती है, और जो और भी अन्य मामले हैं, चाहे SI भर्ती 2016 और कई मामले हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे जब तक वो भर्तियाँ पूरी नहीं हो जाए। लेकिन इसके लिए लगातार हमारी रणनीति जारी है। हालांकि आज मैं कार्यालय पर हूँ, ये लोग आए हैं, इनसे मुलाकात की है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, शायद मैं आज आप लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि मुझे आराम की आवश्यकता है। थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण मैं आज आप लोगों से संपर्क में नहीं रहूँगा, लेकिन 21 तारीख को आपको आना है, 23 और 4 तारीख को आपको वो ध्यान रखना, जल्दी आपके बीच में एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।